ऑडियो टू सिद्धिदायक साधनाओं के परीक्षित प्रयोग। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अग्निहोत्र गायत्री साधना का अनिवार्य अंग। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ को भारतीय धर्म का पिता कहा गया है। दोनों के समन्वय सहयोग से ही देव संस्कृति का जन्म एवं विकास परिपोषण संभव हुआ है। गायत्री उपासना के साथ साथ यज्ञ प्रक्रिया का किसी न किसी रूप में समावेश करने का विधान है। भले ही वह अगरबत्ती या दीपक जला देने जितना स्वल्प एवं प्रतीकात्मक ही क्यों न हो, गायत्री उपासना में प्रायः जप के समय अगरबत्ती जलाते हैं। जिसने पूजा वेदी स्थापित की है वे दीपक, आरती, धूप बत्ती जैसे ज्योति जलाने वाले उपक्रम रखते हैं। अग्नि पूजा अग्निहोत्र कहलाती है। उसका छोटा या बड़ा स्वरूप जहाँ जिससे बन पड़े अपने उपासनात्मक नित्य कर्म में सम्मिलित रखने का भी प्रयत्न करना चाहिए, ताकि माता और पिता दोनों की समान रूप से पूजा अर्चना उपासना अभ्यर्थना होती रहे। भारतीय धर्म को यज्ञ धर्म माना जाता है। उसमें यज्ञीय भावनाओं के अभिवर्धन को बहुत महत्व दिया गया है। यज्ञ शब्द का भावार्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता। यह तत्व दर्शन व्यक्तिगत जीवन में भी समाविष्ट रहना चाहिए और उसे लोक व्यवहार में भी उत्कृष्टता की प्रथा परंपरा जैसा प्रश्रय मिलना चाहिए। जीवन यज्ञ की चर्चा शास्त्रों में स्थान स्थान पर हुई है। ब्रह्म यज्ञ, विश्व यज्ञ आदि नामों से समाज में यज्ञीय प्रचलन की प्रमुखता पर बल दिया गया है। पशु प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने, पतनोन्मुख प्रवाह को उत्कृष्टता की ओर मोड़ने के अनुबंध निर्धारण यज्ञ कहलाते हैं। इसी अवलंबन के सहारे मानवीय प्रगति संभव हुई है। वर्तमान की स्थिरता एवं उज्जवल भविष्य की संभावना भी इसी सदाशयता के अवलंबन पर निर्भर रहेगी। भारतीय धर्म में यज्ञ को असाधारण महत्व दिया गया है। धर्म कृत्यों में उसकी प्रमुखता है। कोई भी धर्म कार्य ऐसा नहीं जो इस उपचार के बिना संभव होता हो। जन्म से लेकर मरण पर्यंत भारतीय धर्मावलंबियों को 16 बार संस्कारों की उपचार प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। इनमें गर्भावस्था का पुंसवन, बालक का नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ ऐसे हैं जिन्हें बाल्यकाल में करना होता है। उन सभी के कर्मकांडों में यज्ञ विधान है। शास्त्र विधि से यदि उन उपचारों को करना हो तो यज्ञ विधान भी उनमें अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना होगा। यज्ञोपवीत संस्कार का नाम ही यज्ञ की प्रमुखता के कारण हुआ है। यज्ञाग्नि में पवित्र किए गए उपनयन सूत्र को ही यज्ञोपवीत कहते हैं। यह यज्ञ की साक्षी में ही धारण कराया जाता है। इसके उपरांत विवाह संस्कार है। विवाह यज्ञ की साक्षी में ही संपन्न हो सकता है। उसी की सात परिक्रमाएं करके वर वधु दो जीवनों को एकात्मता के बंधनों में बांधते हैं। इस अवसर के यज्ञ को दो लोह खंडों को अटूट रूप से जोड़ने वाले वेल्डिंग की उपमा दी जाती है। हिंदू मृतकों का शरीर चिता में जलाया जाता है और उस अवसर पर कुछ कृत्य उपचार किए जाते हैं। उस पर बारीकी से दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि प्रचलित चिन्ह पूजा उस चिन्ह पूजा उस शास्त्रीय विधि व्यवस्था का ध्वंसावशेष है जिसे अंत्येष्टि कहते हैं। अंत्येष्टि विशुद्ध रूप से एक यज्ञ प्रक्रिया है जो मृत शरीर की समाप्ति के लिए प्रयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त वानप्रस्थ, श्राद्ध, तर्पण आदि के और भी कई संस्कार उपचार भारतीय धर्मानुयायियों के होते हैं। इन सब में अग्निहोत्र करना ही होता है। पर्व त्योहारों पर घरों की देवियां अपना छोटा सा हवन उपचार चूल्हे से अग्नि निकालकर उस पर घी, शक्कर, लौंग, मिष्ठान आदि चढ़ाती और उस धर्म कृत्य की चिन्ह पूजा स्वयमेव कर लेती देखी जाती हैं। किसी देवी देवता की अभ्यर्थना में भी वे उसी उपचार को अपनाती हैं। प्राचीन काल में यह नियम था कि भोजन करने से पहले उसे अग्नि देवता को प्रखरता के प्रतीक परमेश्वर को प्रथम भोजन कराया जाए, उसके बाद स्वयं खाया जाए। इस परिपाटी के अनुसार रसोई में बने चिकनाई और मिठास वाले पदार्थों में से 5 ग्रास एक एक करके 5 बार में अग्नि देव पर चढ़ाए जाते थे। इसका विधि विधान एवं मंत्र भाग कुछ विस्तृत भी था और उसे बलि वैश्व या पंच यज्ञ कहते थे। आज भी कितने ही धर्म प्रेमी परिवारों में
यह प्रचलन छोटे रूप में विद्यमान है। अधिक न बन पड़े तो भी पहले वे अग्निमुख में 5 छोटे ग्रासों की 5 आहुतियाँ गायत्री मंत्र से देते एवं घी शक्कर के सहारे ज्योति ज्वाला जलाते हैं। इस प्रचलन से जहाँ घर में धार्मिकता का वातावरण बनाना है, वहाँ एक प्रत्यक्ष निर्धारण यह भी है कि खाने से पहले परमार्थ के परिपोषण का भी ध्यान रखा जाए। अपनी कमाई आप खाकर ही संतुष्ट न रहा जाए। शास्त्र के अनुसार जो अपनी कमाई आप ही खाता रहता है वह पाप खाने वाला तथा चोरी करने वाला है। यज्ञ और उसका दर्शन। सदुद्देश्यों को, सत प्रवृत्तियों को प्राथमिकता देने, उनके परिपोषण संवर्धन की आवश्यकता को अपने निजी उपभोग से भी अधिक महत्व देने की नीति ही यज्ञ दर्शन है। इसी को अपने दृष्टिकोण एवं व्यवहार में समाविष्ट करके इस देश के महान निवासी देव मानव बने और अपनी उत्कृष्टता से न केवल अपने देश को वर्ण विश्व वातावरण को सुख शांति से भरा पूरा बनाने में सफल हुए थे। आज की संकीर्ण स्वार्थपरता, निष्ठुरता एवं आपाधापी नहीं, अनेकानेक समस्याओं, विग्रहों, विपत्तियों एवं विभीषिकाओं को जन्म दिया है। समाधान के लिए किए जा रहे छिटपुट उथले सामयिक एवं स्थानीय उपाय उपचारों से चिरस्थायी हल निकलने की आशा नहीं की जानी चाहिए। कीचड़ सड़ती है तो दुर्गंध भरे विषाणु और मक्खी मच्छर उपजते हैं। रक्त में विषाक्तता भर जाने से चित्र विचित्र प्रकार के फोड़े चकत्ते उठते हैं। बाह्य उपचारों से क्षणिक लाभ होता है। स्थायी निराकरण के लिए कीचड़ हटाने एवं रक्त शोधन जैसे बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। मन क्षेत्र में घुसी हुई निकृष्टता का निराकरण ही व्यक्ति को महान एवं समाज को सुसंस्कृत बनाने का एकमात्र उपाय है। इस उपाय को जन जन द्वारा अपनाए जाने की प्रेरणा को अग्निहोत्र अपने अंतराल में संजोए हुए है। प्राचीन काल में कर्मकांड के माध्यम से लोक शिक्षण के जो प्रयोग चलते थे उनमें यज्ञ प्रक्रिया को प्रमुख माना गया था। उस माध्यम से यज्ञ दर्शन को जन जन के मन में उतारने का प्रबल प्रयत्न निरंतर चलता रहता था। इस सदुद्देश्य के लिए समय समय पर छोटे बड़े यज्ञ कृत्यों का सिलसिला निरंतर चलता रहता था। क्रिया के साथ प्रेरणा से ही धर्म कृत्यों की पूर्णता एवं समग्रता बनती है। यज्ञ दर्शन की अवधारणा यदि ठीक तरह जनमानस में प्रतिष्ठापित कराई जा सके तो इतने भर से प्राचीन काल जैसे स्वर्ण युग सतयुग को वापस ला सकना संभव हो सकता है। प्रचलित अनेक वादों में यज्ञवाद की गरिमा सर्वोपरि है। उसमें व्यक्ति और समाज के समग्र उत्थान की सर्वतोमुखी संभावनाएं विद्यमान हैं। यही कारण है कि आदि वेद ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में यज्ञाग्नि को पुरोहित मार्गदर्शक कहा गया है। बताया गया है कि याज्ञिक रत्न राशि से भरे पूरे देव मानव बनते हैं। इस कथन की सच्चाई को असंख्य महामानवों द्वारा अपनाई गई जीवन नीति और उसकी परिणति को देखकर सहज ही जाना जा सकता है। यज्ञ से शिक्षण। यज्ञाग्नि की कई परोक्ष शिक्षाएं हैं, जैसे पहला, अग्नि जब तक जीवित है तब तक गर्म और प्रकाशवान बना रहता है। अग्नि पूजकों को सक्रिय एवं प्रकाशवान बनकर रहना चाहिए। दूसरा, अग्नि के निकट जो भी जाता है वह उसी के तत्सम बन जाता है। हमें चंदन वृक्ष की तरह संपर्क में आने वाले को भी ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा, अग्नि का मुख कभी नीचा नहीं होता, दबाव पड़ने पर भी ऊंचा ही बना रहता है। अग्नि पुरोहित के इस उदाहरण उपदेश का आवाहन करके हमें भी अपने व्यक्तित्व को निकृष्ट नहीं बनने देना चाहिए। चौथा, अग्नि को जो भी प्राप्त होता है उसे अपने लिए संग्रह नहीं करता, वरन तत्काल विश्व वातावरण में वितरित कर देता है। हमें संग्रही नहीं, उदार परमार्थरत होना चाहिए। पांचवा, यज्ञावशिष्ट भस्म है जो बताती है कि जीवन का समापन भस्म मात्र अवशेष में रह जाता है। अस्तु, न तो वैभव का गर्व करना चाहिए, न लोभ मोह से ग्रस्त होना चाहिए और न मरण का विस्मरण करना चाहिए। जो इतना कर सकेगा उसके जीवन की सार्थकता में संदेह नहीं रह जाएगा। पर्वों में होली की प्रमुखता इसलिए मानी गई है कि उसे नवान्न की फसल आने पर सामूहिक वार्षिकोत्सव के रूप में विशाल यज्ञ आयोजन के साथ मनाया जाता था। उपलब्धियों के अधिकतम उपयोग लोक मंगल के लिए यही है। यज्ञ दर्शन। स्वयं न खाकर श्रेष्ठ वस्तुओं को वायुभूत बनाना और उसे विश्व भर में अशुभ निवारण एवं सुख संवर्धन के लिए वितरण कर देना, उसी उद्देश्य को लेकर यज्ञ किए जाते हैं। यह प्रयोजन इतना महान है
कि यदि लोक मान्यता में जन परंपरा में इसे स्थान मिल सके तो समझना चाहिए कि सतयुग के वापस लौट आने में अब कोई संदेह या अवरोध शेष नहीं रह गया। होली पर्व एवं अन्य सामुदायिक शुभारंभों हर्षोत्सवों में यज्ञ कृत्य को प्रमुख धर्मानुष्ठान की तरह प्रयुक्त करने के पीछे यह रहस्य सन्निहित है कि उपस्थित समुदाय को इस भावना से परिचित एवं प्रभावित किया जाए। यज्ञीय प्रक्रिया आत्मबल का अभिवर्धन, पापों का प्रायश्चित, व्यक्तित्व की प्रखरता, दिव्य क्षमताओं का उभार, अतींद्रिय क्षमताओं का विकास, दैवी अनुग्रह में उपलब्धि जैसे अन्य रहस्यमय कारण भी सन्निहित है। अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेकों स्तर के यज्ञानुष्ठानों का विधान है। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति में यज्ञ प्रक्रिया को उच्च स्तरीय विधान के रूप में निरूपित किया गया है। अनुष्ठानों की पूर्णता जप के अनुपात से अग्निहोत्र करने के साथ जुड़ी है। गायत्री अनुष्ठानों की पूर्णाहुति में अग्निहोत्र को आवश्यक माना गया है। जप और यज्ञ की पारस्परिक सघनता और अविच्छिन्नता विज्ञ जन सदा से जानते और मानते रहे हैं। यज्ञ पैथी एक समग्र उपचार प्रक्रिया। यज्ञ का एक भौतिक पक्ष भी है। शारीरिक रोगों का निवारण, मानसिक संकों, उद्विग्नताओं एवं विक्षिप्तताओं का निराकरण, वायुमंडल का संशोधन, वातावरण का परिष्कार, अंतरिक्ष से उपयोगी पर्जन्य वर्षा, प्राणियों पर उपयोगी प्रभाव, वनस्पति जगत का उन्नयन अभिवर्धन, विषाक्तता से छुटकारा जैसे कितने ही लाभ ऐसे हैं जिन्हें भौतिक विज्ञान के आविष्कारों की तुलना में कम नहीं वर्ण अधिक उपयोगी ही माना जाएगा। वैदिक और तांत्रिक यज्ञों की रहस्यमयी प्रक्रियाएं इसके अतिरिक्त हैं, जिनमें व्यक्ति समुदाय परिस्थिति को प्रभावित करने, दुखद संभावनाओं को निरस्त करने, अनुकूलताओं को खींच बुलाने, प्रवाह को उलट देने जैसे कितने ही चमत्कारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। समय दूर नहीं जब अग्निहोत्र की गणना प्राचीन काल की तरह इस युग में भी प्रचंड शक्ति के रूप में गिनी जाने लगेगी। इस संदर्भ में शांति कुंज का ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान अनोखे परीक्षण कर रहा है। गुरुदेव के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त अनुभवी वैज्ञानिकों की एक टीम इस कार्य में जुटी हुई है। उसके द्वारा हुई अब तक की प्रगति से यह विश्वास सुदृढ़ होता है कि एक खोई हुई कड़ी को जल्दी ही पुनः उपलब्ध किया जा सकेगा और यज्ञ को अध्यात्म क्षेत्र की तरह ही भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी उच्च स्तरीय सम्मान मिलेगा। देव संस्कृति का प्रसार विस्तार यज्ञायोजनों से। आज की परिस्थिति में यज्ञायोजनों को देव संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रदर्शनात्मक रूप प्रस्तुत करने के रूप में भी आयोजित किया जा सकता है। प्रतीकों के माध्यम से प्रशिक्षण करने की पद्धति सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। मंदिरों में प्रतिष्ठापित देव प्रतिमाएं भी इसी प्रयोजन की पूर्ति करती हैं कि दृश्य के सहारे आस्तिकता का दर्शन हृदयंगम किया जाए और भक्ति भाव उभारा जाए। देव संस्कृति के तत्व दर्शन को यज्ञायोजनों के साथ समझने समझाने में असाधारण सहायता मिल सकती है। इन दिनों धार्मिक आयोजन घर घर, समय समय पर, स्थान स्थान पर करते रहने की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए अग्निहोत्र से बढ़कर सरल, सस्ता, प्रभावी और उपयोगी कार्यक्रम दूसरा नहीं हो सकता है। इसमें सामूहिक श्रमदान, पारस्परिक सहयोग, मिलजुल कर प्रयास एवं सम्मिलित प्रयत्नों का सदुद्देश्यों के लिए नियोजन जैसे कई प्रयोजनों की साथ साथ पूर्ति होती है। प्राचीन काल में विभिन्न प्रयोजनों के लिए बड़े सम्मेलन बुलाए जाते थे तो उनका स्वरूप यज्ञ समारोह संपन्न करने के रूप में ही हुआ करता था। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राजसूय, अश्वमेध आदि आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए सर्वमेध, वाजपेय यज्ञों की विशालकाय व्यवस्थाएं बनती थीं और उस आधार पर किए गए निर्धारण विशाल जन समुदाय को व्यापक वातावरण को प्रभावित करते थे। प्राचीन काल के उन समस्त प्रयोजनों की पूर्ति आज गायत्री यज्ञों से हो सकती है। नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए किए जाने वाले छोटे बड़े सभी आयोजनों में गायत्री यज्ञों की प्रमुखता रहनी चाहिए। पर्व संस्कारों में, पारिवारिक समारोह, शुभारंभ, हर्षोत्सवों में गायत्री यज्ञों को आगे रखकर चलने से हर दृष्टि से ही सुविधा, प्रसन्नता और सफलता की आशा की जा सकेगी। परिवारों में धार्मिकता का वातावरण बनाने में इस प्रक्रिया का असाधारण योगदान रहेगा। निजी उपासना से लेकर सामूहिक धर्मानुष्ठानों में गायत्री यज्ञों को प्रमुखता मिलनी चाहिए।
गायत्री परिवार की पद्धति से किए जाने पर वे अत्यंत सस्ते, प्रभावी, आकर्षक एवं उच्च स्तरीय उद्देश्यों की पूर्ति में सर्वथा समर्थ सिद्ध होते हैं। स्मरण रहे, गायत्री देव संस्कृति की जननी और यज्ञ देव धर्म का पिता है। भारतीय परंपराओं के प्रति आस्था रखने वाले सभी उदार चेताओं को गायत्री और यज्ञ का आलोक प्रचलन व्यापक बनाने के भाव भरे प्रयत्न करने चाहिए।